नमस्ते सदावस्तले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल एस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो भारत और रशिया को लेकर आ रही है। जिस तरीके से दोस्तों 46 दिन हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन की इस जंग को, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आ पा रहा, और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद संघर्ष विराम करना ही एकमात्र इसका नतीजा हो सकता है। लेकिन ये तो रूस और यूक्रेन की बात हो रही है, लेकिन इसका असर भारत पर कैसे पड़ रहा है और किस क्षेत्र में पड़ रहा है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। दुनिया में रशिया को एक ताकतवर देश माना जाता है, फिर भी वो अभी तक यूक्रेन को हरा नहीं पाया, क्योंकि भारत इस युद्ध में एक चीज को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर रहा था। वो कर रहा था कि भैया ये लोग कौन से हथियार यूज कर रहे हैं, खासकर कि रशियन हथियार, क्योंकि भारत के पास भी रशियन हथियार हैं। लेकिन जब भारत ने देखा कि रशिया को ऑलरेडी इतनी चुनौतियां मिल रही है, तो ऐसे में सबसे अच्छा एक काम ये है कि हमें भी अब अपने विकल्पों को ढूंढना होगा और हमें भी अब केवल रशिया पर निर्भर नहीं रहना होगा। इसीलिए भारत अब नए तरीके से अपने हथियारों के बारे में काम करना शुरू कर रहा है। इस रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, उसमें बख्तरबंद वाहनों और टैंकों के खिलाफ एंटी टैंक मिसाइलों को बड़ी सफलता मिली है, और इसी का सबक लेते हुए भारतीय सेना अपने भविष्य के मेन बैटल टैंकों को नए सिरे से डिजाइन करेगी। दरअसल यूक्रेन के वॉर जोन से जो भी हमें सूचना मिल रही है, उससे तो यही लग रहा है कि रूसी बख्तरबंद वाहनों की कमजोरियों को पकड़कर यूक्रेन ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जबरदस्त इस्तेमाल किया है। और यही नहीं दोस्तों, भारतीय वायुसेना वहां चल रही इस लड़ाई पर नजदीकी से नजर भी बना के रखी हुई है, क्योंकि वहां टैंकों के समेत जो हथियार और अन्य सैन्य उपकरण उपयोग में लाए जा रहे हैं, वो हथियार बिल्कुल भारत की तरह ही है जो रशिया वाले हैं। दोस्तों भारत अब इस बात का विश्लेषण कर रहा है कि अब अपने जो टैंक हैं उन्हें भविष्य के आधार पर नए तरीके से डिजाइन करना होगा, क्योंकि इस वक्त इंडियन आर्मी रूसी बख्तरबंद सैन्य वाहनों की सबसे बड़ी उपयोगकर्ता है, जिसमें कि T-72, T-90, इसके अलावा BMP सीरीज के इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट वाहन भी शामिल है, जो कि सेना का मुख्य आधार भी है। यही नहीं, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में बड़े पैमाने पर रूसी टैंक बर्बाद हुए हैं, क्योंकि दोस्तों यूरोप और उत्तरी अमेरिका के सहयोगी देश यूक्रेन को एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट उपकरणों की सप्लाई कर रहे हैं, जिनमें कार्ल गुस्ताफ एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर NLW और LT-4S शामिल है। यानी कि दोस्तों इस युद्ध ने, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई ने भारत की आंखों पर लगी पट्टी को खोल दिया है। अब समय आ गया है कि किस तरीके से हमें अब अपने हथियारों पर काम करना है और केवल रशिया पर ही अपनी रिलायबिलिटी नहीं रखनी है। अगली खबर दोस्तों अमेरिका से आ रही है। इन दिनों हमारी अमेरिका की दुल्हनिया थोड़ी नाराज चल रही है, जिसके पीछे का कारण है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई। खुद अमेरिका ने कहा था कि भारत को रशिया से किसी भी तरीके के हथियार और सस्ता तेल नहीं लेना चाहिए, और यही नहीं, इसके अलावा अमेरिकी दुल्हनिया ने भारत को चेतावनी भी दी कि मैं तुझे तलाक दे दूंगी। मतलब एनीवेज ये कहने वाली बात है, लेकिन अमेरिका ने ये साफ तौर पर कहा कि आप रशिया से किसी भी तरीके का कोई डील ना करें। लेकिन यहाँ पे भारत भी कम नहीं है। भारत ने कहा कि चलो मान लेते हैं कि हम रशिया के हथियारों को नहीं लेते हैं, लेकिन आप ऑप्शन बता दीजिए कि हमारे पास रशिया से सस्ते हथियार कहाँ मिल सकते हैं। ये बात हुई है दोस्तों अमेरिका के विक्टोरिया न्यूलैंड की भारत यात्रा के दौरान, और ऐसे में अमेरिका ने भारत को चीन और पाकिस्तान का सामना करने के लिए अपने हथियारों के विकल्प का भी प्रस्ताव दिया था। यही नहीं, भारत ने जैसे कि मैंने कहा कि साफ तौर पर कह दिया था कि रूसी हथियारों का विकल्प बहुत महंगा पड़ेगा। इसके अलावा रूसी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करने को भी इच्छुक हैं, जिनमें तकनीक का हस्तांतरण भी वो कर रहे हैं, जो कि तुम लोग करते नहीं हो। ऐसे में हम रशिया का साथ कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की रक्षा कंपनियां तकनीक हस्तांतरण करने में कतराती हैं। हालांकि अब 2+2 बैठक होने वाली है, इस दौरान पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है। पाकिस्तान के चचा जान को दोस्तों 31 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। हालांकि ये कितनी कारगर होगी और कितना इसे प्रभावी बताया जाएगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान के जो कक्का जान है उन्हें 31 साल की जेल की सजा सुना दी गई है, और ये कक्का जान हाफिज सईद जी हैं। इसके अलावा अदालत ने लश्करे तोयबा के सरगना पर जुर्माना भी ठोका है, और ये हाफिज सईद कक्का जान ये मास्टरमाइंड था 2008 के मुंबई हमले का। इसके अलावा वो भारत में कई वारदातों को भी अंजाम दे चुका है। लेकिन दोस्तों कोर्ट ने सजा सुना दी है, कोई असर नहीं पड़ने वाला हाफिज सईद पर, केवल नजरबंद किया जा सकता है, बाकी सारी चीजें खुले में रहेगा, वो चौड़ में रहेगा। दोस्तों ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हाफिज सईद को आतंकवाद निरोधी अदालत ने जेल भेजा है। ऐसे में उसे 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, और ये हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र का एक घोषित वैश्विक आतंकी है। दोस्तों हाफिज सईद एक बहुत बड़ा जिहादी आप समझ सकते हैं इसे, क्योंकि इसका कंट्रोल है ISI और पाकिस्तानी सेना के ऊपर भी, और पूरा संरक्षण इसे मिलता है। लेकिन 31 साल की जेल का मतलब ये है कि पाकिस्तान जिस तरीके से राजनीतिक हालातों से गुजर रहा है, वो तो अस्थिरता बन गई है वहाँ पर। इसके अलावा FATF की ग्रे लिस्ट में वो बना हुआ है,
तो FATF की ग्रे लिस्ट से वो बाहर आ जाए। तो इस तरीके की कार्रवाई वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमने इस बंदे को, कक्का जान को, हमने जेल की सजा सुना दी है। फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप देख लेना आने वाले समय में, फिर कोई ना कोई वीडियो वायरल करेगा वहाँ से भाषण देते हुए। दोस्तों यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगली खबर नेपाल को लेकर आ रही है। अभी हाल ही में दोस्तों आपको मालूम हुआ होगा कि गोरखनाथ मंदिर पर हमला हुआ और इस दौरान ये सारा कनेक्शन नेपाल से जुड़ा हुआ था, इसीलिए नेपाल सीमा पर भारत अलर्ट है। ऐसे में एक चौंकाने वाला मामला ये आया कि जब दो रॉ के एजेंट्स पुलिस के साथ तू तू मैं करने लगे, ऐसे में थोड़ा सा टेंशन पुलिस भी आ गई थी कि भैया रॉ के अधिकारी हैं, लेकिन ये लोग जब नेपाल जा रहे थे तब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये रॉ के एजेंट्स नकली हैं। यही नहीं, इनके पास दोस्तों एक मोबाइल, एक एयरगन और एक रॉ की आईडी भी मिली है। इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सीमा पर तैनात आईबी, एलआईयू और एसआईओ की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। ये दोनों ही आरोपित एक एक्सयूवी गाड़ी में नेपाल जा रहे थे, लेकिन इतना बताया गया है कि पकड़े गए ये दोनों आरोपित बनारस के बताए जा रहे हैं। इनमें से एक का नाम है राहिल परवेज तो दूसरा का नाम है कृष्णा प्रसाद। पुलिस ने कहा कि इनके पास बरामद की गई एयरगन बिल्कुल नहीं है और इन गिरफ्तार किए गए नकली रॉ एजेंट से जो मोबाइल बरामद हुआ उसमें पाकिस्तान के नंबर से नेपाल में बात हो रही थी। देखते हैं कनेक्शन क्या है, पूरा पता चल जाएगा तो फिर आपको अपडेट में मैं बता दूंगा। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है कि रॉ के अधिकारी बनकर किस तरीके से नेपाल घुस रहे थे। दोस्तों अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो भारत में बने पहले स्वदेशी डोर्नियर 228 विमान को लेकर आ रही है। दोस्तों भारत में बना पहला डोर्नियर 228 विमान एयरलाइंस एयर को सौंप दिया गया है। कहा जा रहा है कि विमान में एक बारी में 17 लोग जा सकते हैं। इसके साथ ही विमान की खासियत यह है कि ये दिन और रात दोनों में उड़ान भरने में सक्षम है। डोर्नियर 228 विमान पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, इससे वहां के क्षेत्रीय लोगों को आवागमन करने में काफी सहूलियत मिलेगी। बता दें कि HAL ने दो डोर्नियर 228 विमानों की आपूर्ति के लिए सितंबर 2021 में अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और ये विमान पूर्वोत्तर भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन विमान कहा जा सकता है क्योंकि ये विमान शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग की क्षमता रखता है। बता दें कि अभी तक एयरलाइन कंपनियों को अमेरिका और यूरोपीय देशों के विमान आयात करने पड़ते थे, लेकिन अब भारत के द्वारा बनाए गए डोर्नियर 228 विमान को ही अपनी घरेलू एयरलाइन कंपनियों को दिया जाएगा। अगली खबर DRDO को लेकर आ रही है। DRDO ने ध्रुति डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर का तकनीकी हस्तांतरण किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, जो कि इसका अब प्रोडक्शन करेगी। बता दें कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट वाइड बैंड 6 चैनल डिजिटल रिसीवर है जो कि फाइटर जेट्स के लिए है। बता दें कि ध्रुति डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर दुश्मन के रडार सिस्टम के रेडियो इमिशंस को डिटेक्ट कर सकता है, जैसे कि दुश्मन के फाइटर जेट के फायर कंट्रोल रडार को। इसके अलावा ये दुश्मन के द्वारा दागे जाने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल के ग्राउंड आधारित रडार सिस्टम को भी डिटेक्ट कर सकता है। दोस्तों अगली खबर DRDO को लेकर आ रही है। दरअसल DRDO के इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सूट सिस्टम का डिजाइन पूरा कर लिया है, जिसे कि आने वाले समय में तेजस मार्क 2 पर लगाया जाएगा। बता दें कि DRDO अब इसके लिए जो हमारे लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनका चयन करेगी ताकि वो इसके प्रोटोटाइप पर निर्माण और टेस्ट कर सके। दोस्तों इसे फ्रंट सेक्टर ऑप्टोनिक्स भी कहा जा सकता है। बता दें कि तेजस मार्क 2 में तो ये लगेगा ही, लेकिन उसके बाद इसे SU-30 MKI में भी लगाया जाएगा और ये रशिया के OLS-30 को भी रिप्लेस करेगा आने वाले समय में। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स करीबन अपने Sukhoi-30 MKI के लिए इस तरीके की 100 यूनिटें खरीदेगी। दोस्तों IRST सिस्टम पैसिव ट्रैकिंग कर सकता है और ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट के इंफ्रारेड सिग्नेचर को पहचान सकता है, साथ ही उसकी लोकेशन को भी ट्रैक कर सकता है। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि DRDO के द्वारा तैयार किए जा रहे IRST 50 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर के रेंज में फाइटर जेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन ये कॉम्बैट रोल में करीबन 100 किलोमीटर दूरी से दुश्मन के फाइटर जेट्स को पहचान सकता है। हालांकि दोस्तों जब दो फाइटर जेट्स के बीच में लड़ाई हो रही होती है और एक दूसरे को चेस कर रहे होते हैं तो ऐसे में दुश्मन का फाइटर जेट अपने आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करता है और जिसकी वजह से काफी तेजी से IR सिग्नेचर पैदा होने लगता है, जिससे कि ये आसानी से लॉन्ग रेंज में डिटेक्ट हो जाता है। दोस्तों रशियन फाइटर जेट्स की जो सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इनमें IRST लगा था, जिसकी वजह से इन्हें खास फायदा मिलता था, लेकिन अब भारत अपना खुद का ये सिस्टम तैयार कर रहा है। लेकिन आज के दौर में IRST सभी फाइटर जेट्स में लगे होते हैं, इवन F-35 में तो एडवांस IRST लगाया गया है। लेकिन जब भी हम स्टेल्थ फाइटर जेट की बात करते हैं जो कि दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम होते हैं, ऐसे में जब वो रडार की पकड़ में नहीं आते लेकिन वो IRST सेंसर्स के जरिए आसानी से पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट का एक अपना IR सिस्टम होता है, इसीलिए ये जो IRST है वो एक काउंटर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी कही जाती है और भारत इसे अपने 5.5 जनरेशन के AMCA प्रोजेक्ट पर भी लगाएगा। हालांकि DRDO का ये IRST सिंगल सेंसर्स का होगा, लेकिन दोस्तों इस IRST की भी एक अपनी क्षमता होती है, क्योंकि IRST बहुत कुछ निर्भर करता है एटमोसफेयर यानी कि वातावरण में और मौसम पर भी। ऐसे में दोस्तों
केवल भारत IRST पर ही निर्भर नहीं रहेगा, इसके साथ जो अन्य उपकरण भी होते हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि DRDO की कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अर्जुन Mk1A मेन बैटल टैंक के आधार पर एक अनमैन कॉम्बैट व्हीकल को बना रही है। अर्जुन Mk1A मेन बैटल टैंक का जो प्राइमरी हथियार है वो है 120mm की मेन गन। बता दें कि DRDO अब अनमैन ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल के लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को तैयार कर रहा है, जो कि अनमैन टैंक के ऑपरेटर को विजुअल यानी कि दृश्य वाली जानकारी तो देगा ही, साथ ही लोकेशन की भी जानकारी देता रहेगा। और इसका इस्तेमाल इस अनमैन ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल को रास्ता बताने और ऑपरेटर के द्वारा बताए गए टारगेट की जानकारी देते रहना होगा। आज के टॉप कमेंट्स हैं, तो दोस्तों ये थे अब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।